हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक डेल का लैपटॉप आया है, i3 प्रोसेसर है, 6th जनरेशन है, 4GB रैम है और इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है, जिस वजह से आप देखोगे हमारा खुलने में बहुत टाइम लेता है, ओपन होने में बहुत टाइम लेता है, डाटा ट्रांसफर स्पीड बहुत कम होती है। कारण है कि हमारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है। हार्ड डिस्क जो होती है बहुत ही कम स्पीड से डाटा ट्रांसफर करती है, जिस वजह से हमारा ओपन होने में, कुछ भी फाइल क्लिक करने में, इन सब में बहुत टाइम लगता है। तो ये सब इसलिए होता है कि हमारी हार्ड डिस्क जो होती है वो ही डाटा ट्रांसफर स्पीड उसकी बहुत कम होती है। और इस समस्या का समाधान क्या है, इस समस्या का समाधान ये है, यदि हमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक करना है तो हम इसको फॉर्मेट करा के भी कर सकते हैं, कोई बैड सेक्टर वगैरह होता है उनकी वजह से भी हो जाता है। पर यदि हम अपने लैपटॉप को सुपर फास्ट बनाना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर को सुपर फास्ट बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें इसमें SSD का यूज करना पड़ेगा। SSD इसमें हार्ड डिस्क की जगह SSD लगानी पड़ेगी, उसमें OS इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके हमारी स्पीड अच्छी हो पाएगी। अदरवाइज तो हमारी स्पीड ऐसी ही रहेगी, क्योंकि विंडो की जो हार्ड डिस्क की जो डाटा ट्रांसफर स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं और आप इसको किसी ऐसे वैसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। तो हमें फास्ट करने के लिए SSD लगानी होगी, तो हम इस लैपटॉप में आपको दिखाएंगे। अभी मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट करने के बाद आप देखना ये कितना टाइम लगता है ओपन होने में, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम सही कह रहे हैं या कि हम गलत कह रहे हैं। पहले मैं इसको हार्ड डिस्क पे आपको दिखा रहा हूँ बूट करके, बूट का टाइम कितना होता है, कम से कम भी 25 से 30 सेकंड लगता है, और जब SSD लग जाती है 15 से 20 सेकंड में हमारा ऑन हो जाता है। हम कोई वर्ड की फाइल खोलते हैं, आपने एक चीज और नोट की होगी अपने लैपटॉप में, जब आप कोई वर्ड एक्सेल की फाइल खोलते हो तो वो नॉट रेस्पॉन्डिंग टाइप हो जाता है, उसमें नॉट रेस्पॉन्डिंग टाइप आ जाता है, नहीं खुलती है, कुछ टाइम लेके खुलती है या हमारा कर्सर घूमता रहता है। ये सब समस्या का समाधान एक ही है कि हम अपने लैपटॉप में SSD लगाएं और इन समस्या से निजात पाए। तो मैं अब इसको ऑन करता हूं। अब देखो कितना बहुत ही लेट रेस्पॉन्स होता है। ये कारण सब यही है कि हमारी हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम होती है, हार्ड डिस्क की जगह हमें SSD लगानी पड़ती है, बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस होता है। ये आप देखोगे अब हमने इसको रीस्टार्ट किया है, रीस्टार्ट होने पे कितनी देर में हमारी मशीन ऑन होती है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी मशीन में SSD और हार्ड डिस्क का क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको इसको लाइव दिखा रहा हूँ, अब मैंने इसको रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट होने में कितना टाइम ले रहा है, कितने टाइम बाद हमारी मशीन ऑन होगी, ये सब आप क्लियर हो जाएगा। और ये चीज आपकी जो मेन है वो आपकी SSD वाला ही है कि आपको इसमें SSD ही करानी पड़ेगी यदि आपको मशीन फास्ट करनी है तो। ये अब हमारी मशीन अभी स्टार्ट हो गई है, रिस्टार्ट होने के बाद आप देख रहे हो तो कितना टाइम लेती है, ये सब आपको आइडिया हो जाएगा। कम से कम भी 1 मिनट ये इसमें लेती है, 1 मिनट से कुछ कम लेती है, और जब हम SSD लगा देंगे तब हमारी मशीन की स्पीड बहुत अच्छी, ये 15 से 20 सेकंड में ऑन हो जाती है। और ये यदि ये बीप की आप साउंड सुन रहे हैं, इसमें दो फॉल्ट है, दूसरा फॉल्ट ये है कि हमारी बीप की भी साउंड आ रही है। ये हमारी जब CMOS वीक हो जाती है या हमारे मदरबोर्ड में टाइम डेट या BIOS की प्रॉब्लम होती है तब ये बीप इस टाइप की करता है। यदि ऐसी समस्या हो तो इसका भी समाधान है सूरज कंप्यूटर्स पर, या तो आपकी CMOS सेल खराब है या फिर आपका BIOS में प्रोग्रामिंग की दिक्कत होती है। तो ये अब जाके अभी भी हमारा घूम ही रहा है, तो आप देख रहे हो बड़ा टाइम लगता है इसमें। तो हम इसमें SSD लगाते हैं, आपको लाइव दिखा रहे हैं कि SSD कैसे लगाते हैं, SSD का क्या डिफरेंस होता है, SSD लगा के हमारी मशीन कितना इम्प्रूव होती है, ये सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे।
ये हार्ड डिस्क है इसका, जो है इसमें साटा का ऑप्शन है, तो ये साटा ही इसमें SSD लगेगी, वो साटा ही लगेगी हार्ड डिस्क की जगह। तो ये हार्ड डिस्क खोल रहे हैं, ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि हम हार्ड डिस्क ना लगाए तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। यदि हमें रिक्वायरमेंट है कि भाई नहीं, हमें डाटा भी चाहिए और हमारी पुरानी हार्ड डिस्क इसमें लग जानी चाहिए, तो वो हम DVD की जगह लगा देते हैं। ये SSD इसमें हम लगा रहे हैं क्रूशियल की 240 GB, स्पीड बड़ी अच्छी होती है। ये आपकी जो SSD होती है WD की ब्लू, उसके ही बिल्कुल टक्कर की है और बढ़िया SSD होती है, वारंटी वगैरह भी अच्छे देते हैं। तो ये SSD हम इसमें लगा रहे हैं 240 GB की, फास्ट करने के लिए। ये अब विंडो डाल रहे हैं इसमें, विंडो डालने के बाद जब हमारी मशीन रेडी हो जाएगी तो आपको दिखाएंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने हार्ड डिस्क पे मशीन देखी थी चलती हुई, अब जब विंडो के लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि SSD पे ये कितनी फास्ट हो जाएगी। अब हम आपको रिस्टार्ट करके दिखाते हैं कि ये कितना फास्ट हो गया है।